नमस्कार दोस्तों, और आज हमारे साथ है टाटा टियागो। पेट्रोल वेरिएंट, एक्सजेड प्लस वेरिएंट है ये, वाइट कलर में। और इसकी चाबी थोड़ी अलग है, ऐसे दिखेगी, फ्लिप की है, लॉक अनलॉक। और ये लाइट के लिए बूट ओपनिंग ऑप्शन इसमें नहीं है। और ये फ्लिप की कुछ ऐसे दिखती है आगे से। फ्रंट ग्रिल, टाटा का लोगो, और ये टायर मोटिव बढ़ते हुए बम्पर, और ये हेडलैम्प, ये फॉग लैम्प, यहाँ DRL है। फॉग लैम्प पे क्रोम फिनिश भी है। चालू करते हैं, गया चालू। रेन सेंसिंग वाइपर है, नॉर्मल वाइपर है, इसमें एरोटिन वाइपर नहीं है। ये ब्लैक कलर मिरर है, ग्लॉसी फिनिश में है। ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी है, एडजस्टेबल भी है। ये नॉर्मल एंटेना आगे की तरफ, डोर हैंडल पे क्रोम फिनिश है। ड्राइवर साइड पैसिव एंट्री भी है, और इसमें पैसिव एंट्री नहीं आती है, अपर वेरिएंट में आएगी। टायर साइज चेक करते हैं। 175 R15 15 इंच व्हील है, और ये ड्यूअल टर्न अलॉय व्हील। पीछे से देखते हैं, कुछ ऐसा है पीछे का लुक। टीयर वाइपर आ जाता है इसमें, लोकल पर लोकल गट्टी का। और इंडिकेटर स्पॉइलर है, और यहाँ दोनों जगह डार्क इंसर्ट दिया है, डार्क कलर में स्पॉइलर पर। एक ये और ये, और ये टेल लैंप्स चालू करते हैं। धूप में ज़्यादा दिखेगा नहीं, फिर ऐसा होगा। अरे ऐसे इससे खुलेगी, ऐसे ये पार्सल ट्रे। बहुत बड़ा बूट स्पेस नहीं है, नॉर्मल है। स्पेयर टायर देखते हैं, स्पेयर टायर की साइज से दिख नहीं रही है। R13 इंच है, 155 है, 2 इंच कम है, और थिकनेस भी घट गई है। ये कैमरा, यहाँ भी क्रोम इंसर्ट है। पीछे का डोर खोलते हैं, ऑटो फोल्डिंग मिरर, और RVMP इंडिकेटर दिया है। अरे कुछ ऐसे दिखते हैं डोर ट्रिम, ब्लैक और बीच का कॉम्बिनेशन है। इसमें भी आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर का हार्मन कार्डन म्यूजिक सिस्टम आता है। क्रोम इंसर्ट, ट्विटर, सब हार्ड प्लास्टिक है। बोतल रखने के लिए स्पेस, पावर विंडो। और बैठ के देखते हैं, ये है लेग रूम, काफी अच्छा है। ये थाई सपोर्ट इना पे, कुछ ऐसे दिखती है पीछे की सीट्स। सीट पे
का एरो मोटिव डिज़ाइन है, पीछे के हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, हैंडल बार कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है इसमें। देखो स्पेस, आगे चलते हैं। वो ड्राइवर डोर की तरफ चलते हैं, यहाँ जगह नहीं है। बैठ के दिखा जरूर चाहिए। कुछ ऐसे दिखती है को ड्राइवर की डोर, डोर ट्रिम सेम ही है। ये ग्लोव बॉक्स, ज़्यादा डीप नहीं है ना, थोड़ी ज़्यादा स्पेस डॉक्यूमेंट के लिए। और ये 2 kg का हुक, सेंट्रल कंसोल, मैनुअल हैंड ब्रेक है, पीछे कोई चार्जर नहीं है। दो कप होल्डर, ये छोटा है और ये बड़ा है। और ये ऑटोमेटिक 5-speed गियर लीवर, और ये कुछ स्पेस मैनुअल में भी आएगी। और ये एसी के कंट्रोल्स, एसी वेंट। जब गाड़ी चालू करते हैं ड्राइवर की तरफ जाके, ग्लोसी फिनिश दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलते हैं, जैसे दिखती है ड्राइवर की ट्रिम। बैठ के ही दिखाता हूँ, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं है इसमें। गाड़ी चालू, ड्राइवर की ट्रिम बंद ही कर देते हैं। एक 4 पावर विंडो के कंट्रोल, क्रोम फिनिश, टॉप डाउन। हाँ ये ऑटो अप डाउन, सॉरी ये ऑटो डाउन ही है, ऑटो अप नहीं है। बस ऑटो अप विंडो है। ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील ग्लॉसी फिनिश के साथ, इसमें यहाँ क्रूज कंट्रोल नहीं आता है जो हायर वेरिएंट में आएगा, या म्यूजिक के कंट्रोल्स। ये मैनुअल डे नाइट मिरर, LED लाइट, ये ड्राइवर का सनवाइजर एयरबैग के साथ, ड्राइवर का सनवाइजर, इसमें मिरर नहीं है। ये टच स्क्रीन सिस्टम इंटीग्रेटेड है, इंस्ट्रूमेंट प्लस पूरा डिजिटल है। ये लाइट के कंट्रोल्स, ये वाइपर के कंट्रोल, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देखते हैं। टिल्ट है, ये एसी लाइट भी एक्चुअली रूम भी दिया गया है, हजार लाइट का बटन, हार्ड प्लास्टिक है। ये ओआरवीएम की सेटिंग के लिए, ये सब करने पे फोल्ड हो जाएंगे। चार्जिंग पोर्ट, ये 12 वोल्ट का इधर है, USB पोर्ट है और ऑक्स का केबल है, रिफ्रेश हो रही है। बाकी पीछे एक भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है, थोड़े बहुत कंट्रोल लॉक अनलॉक और ये लाइट के कंट्रोल्स, बाकी के कंट्रोल ऊपर वेरिएंट में आएंगे।
बच्चे से दिखेगा। ओके, एसी के कंट्रोल्स होंगे यहाँ से, और ये एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले है। इसमें रेडियो, यूएसबी फोन, ब्लूटूथ ऑडियो, ऑडियो सेटअप, कॉन्टैक्ट्स, आईपॉड, पार्क असिस्ट, फोन सेटअप, फेवरेट्स, साउंड डेमो, पार्क असिस्ट देखते हैं, रिवर्स की कैमरा, ये कुछ ऐसी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। एसी भी बहुत जल्द कूल कर रहा है। नाइट में ट्राई किया नहीं इसलिए पता नहीं है अभी नाइट की क्वालिटी क्या रहेगी, पर दिन में अच्छी है। ये साउंड है वो सुनते हर बार की तरह। आगे दो ट्विटर है और पीछे दो ट्विटर है डोर में, नीचे डोर पर चार स्पीकर भी है, आगे दो और पीछे दो। अच्छा बेज है, अच्छा साउंड है। वैसे भी हरमन गार्डन का सिस्टम बेस्ट आता है। इसका एक्शन प्राइस 7.49 लाख से ऑन रोड अराउंड 8 या फिर 8.5 में आ जाएगी। इससे अपर वेरिएंट भी आता है एक्सेड, ये सीएनजी में भी आती है और अब ईवी में भी आती है। सीएनजी वेरिएंट और ईवी वेरिएंट हमारे चैनल पे मिल जाएगा, कवर कर दिया है मैंने। और इसको दिखते हैं, और यहाँ से कंट्रोल होगा, ये एवरेज ट्रिप भी, ओडोमीटर, यहाँ मोड के लिए और वहाँ सेट के लिए, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है फुल्ली सेट करने के लिए। ये फ्यूल दिखाएगा और ये गाड़ी ऑन है, ये आरपीएम एवरेज स्टेयरिंग व्हील लेदर है अपनी, ये बुक भी दिया गया है स्मार्ट मूव कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए। आगे के दोनों एड्रेस एडजस्टेबल मिलेंगे, और ये सीट मैनुअल हाइट एडजस्टेबल है, बाहर से दिखा नहीं पड़ा, और रिक्लाइन भी मैनुअल है। 4-स्टार रेटेड है टाटा टियागो इन ग्लोबल एनकैप। ऑटो वाइपर नहीं है, रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है, बंद करके बाहर चलते हैं। इंजन देखते हैं, टाटा का 1.2 लीटर क्रायोटेक इंजन पेट्रोल, पावर और टॉर्क, बाकी सब इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसी लगी आपको टाटा टियागो? टाटा ने सबसे अफोर्डेबल ईवी भी बनाया है इसको, हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो जो यूट्यूब में करना होता है वो कर देना। जय हिंद, जय भारत।